वही गाइस, अगर आप लोग फ़ोनपे से किसी के पास पैसा ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो यहाँ पर गाइस आपका जो पैसा ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है, इस तरह का इंटरफेस आ रहा है यूपीआई इशू एट रिसीवर बैंक। तो गाइस कैसे आप लोग अपनी इस प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं, आज के इस वीडियो में मैं आपको पूरा फुल प्रोसेस बताने वाला हूँ। तो गाइस आपको क्या करना पड़ेगा, वीडियो को लास्ट तक स्टेप बाय स्टेप वॉच करना पड़ेगा, तभी दोस्तों आप लोग यहाँ पर यूपीआई इशू एट रिसीवर बैंक जो यहाँ पर आपको इशू आ रहा है आप लोग इसे ठीक कर पाएंगे। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको स्टेप बाय स्टेप बताते हैं कि गाइस कैसे आप लोग अपनी इस प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, फोन पे को दोस्तों इस तरीके से पूरा कट करके यहां से इस तरीके से हटा देना है। जैसे कि आप लोग इस तरीके से पूरा फोन पे को कट करके हटा देंगे, अब दोस्तों आपको यहां पर क्या करना पड़ेगा, अब यहां पर दोस्तों आपको अपने फोन पे को सिंपल से ओपन करना है इस तरीके से। अब जैसे कि आप लोग फोन पे को ओपन करेंगे यहां पर आपको इस तरीके से अपना लॉक लगा देना, स्क्रीन लॉक वगैरह जो भी लगा होंगे। अब यहां पर फोन पे आपका इस तरीके से ओपन होगा तो सिंपली से आपको यहां पर कोने में प्रोफाइल वाला आइकन पे जाना है। अब यहां पर नीचे जाना है, एक ऑप्शन मिलेगा आपको यहां पर बैंक अकाउंट का, आपको इस पर क्लिक करना है। और गाइस आप जिस बैंक से पैसा भेज रहे हैं, आपका जिस बैंक से पैसा ट्रांसफर नहीं हो रहा है, अपने उस बैंक पर क्लिक करना है। जैसे कि आप लोग अपने उस बैंक पर क्लिक करेंगे, अब दोस्तों सबसे नीचे जाएंगे, एक ऑप्शन मिलेगा यहाँ पर इस तरीके से अनलिंक बैंक अकाउंट का, इस पर क्लिक करके इस तरीके से अपना बैंक दोस्तों आप लोग यहाँ से डिलीट कर दीजिएगा। डिलीट करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ से पूरा फोन पे को इस तरीके से कट कर देना है। फोन पे को दोस्तों जैसे आप पूरा कट कर देंगे, फोन पे पर कुछ सेकंड तक दबा रखना है। उसके बाद यहाँ पर अनइंस्टॉल ऐप का ऑप्शन आएगा, इस पर क्लिक करके इस तरीके से फोन पे को डिलीट कर दीजिएगा। डिलीट करने के बाद दोस्तों आपको क्या करना पड़ेगा, अब यहाँ पर दोस्तों आपको प्ले स्टोर पर जाना है। प्ले स्टोर पर जाने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर इस तरीके से प्ले स्टोर पर सर्च करना पड़ेगा दोस्तों फोन पे। जैसे कि यहाँ पर मैं फोन पे सर्च कर ले रहा हूँ, फोन पे आप लोगों को इस तरीके से सर्च करना है। फोन पे सर्च करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर अपने फोन पे इस तरीके से यहाँ से डाउनलोड कर लेना है, इंस्टॉल कर लेना है दोस्तों। यहाँ पर आपको फोन पे इस तरीके से डाउनलोड करना है। यहाँ पर गाइस देखते हैं हमारा फोन पे एप्लीकेशन इस तरीके से डाउनलोड हो रहा है। डाउनलोड होने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर आगे का प्रोसेस आपको क्या करना पड़ेगा, अब यहाँ पर दोस्तों जब आपका फोन पे डाउनलोड हो जाएगा तो गाइस आपको यहाँ से ओपन वाले सिंपली से बटन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। ओपन वाले ऑप्शन पे जैसे क्लिक करेंगे देन इस तरह का इंटरफेस आएगा। अब यहाँ पर जब इस तरह का इंटरफेस आएगा तो सबसे पहले आपको यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर इंटर करना है, जिस मोबाइल नंबर से आप लोग बनाना चाहते हैं। मोबाइल नंबर डालने के बाद दोस्तों आपको नीचे फॉरगेट पासवर्ड का ऑप्शन आएगा, इस पर क्लिक करके लॉगिन ओटीपी पर क्लिक करना है। आपके मोबाइल नंबर पर एक वन टाइम ओटीपी आएगा दोस्तों, वन टाइम पासवर्ड, इस तरीके से पासवर्ड ऑटोमेटिकली इसमें फिल हो जाएगा। अब यहाँ पर दोस्तों ओटीपी आने के बाद दोस्तों आप लोग इस तरीके से इसमें लॉगिन हो जाएंगे। तो सबसे पहले आपको सारे परमिशन को अलाउ करना है। यहाँ पर जब आप लोग इस तरीके से आ जाएंगे दोस्तों आपका यहाँ पर इस तरह का फोन पे एप्लीकेशन जब ओपन होगा तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ पर दोस्तों मेरे में कट का ऑप्शन आ रहा है, बहुत लोगों में दोस्तों यहाँ पर स्किप का ऑप्शन आता है कोने में, तो आप स्किप कर दीजिएगा, मैं यहाँ से कट कर दे रहा हूँ। कट करने के बाद दोस्तों आपको परमिशन को इस तरीके से सारा अलाउ करना है, सारे परमिशन को अलाउ करना है दोस्तों, किसी भी परमिशन को आपको छोड़ना नहीं है। अब दोस्तों जब आप लोग इस तरीके से आ जाएंगे यहाँ पर आप लोग इस तरीके से फोनपे में, अब यहाँ से फोनपे को पहले कट कर देना है। कट करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर क्या करना है, फोनपे पर जाना है। फोनपे पर दोस्तों कुछ सेकंड तक दबाए रखना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर इस तरीके का इंटरफेस आएगा या फिर ऐप इन्फो लिखा रहेगा, आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे कि आप लोग इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पर परमिशन का ऑप्शन आएगा, आपको परमिशन पे जाना है। और यहाँ पर गाइस देखते हैं मेरा जो भी परमिशन अलाउ नहीं है आपको सारे परमिशन को अलाउ कर लेना है। जैसे कि यहाँ पर एसएमएस अलाउ नहीं है तो मैं एसएमएस इस तरीके से अलाउ कर देना हूँ, इस तरीके से एसएमएस अलाउ करके बैक कर देना है। फिर माइक्रोफोन वगैरह अलाउ नहीं है तो यहाँ पर इसको भी अलाउ कर देना है। कैमरा अलाउ नहीं है तो इसको भी आपको अलाउ कर देना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर फोटो नहीं अलाउ है तो आपको इसको भी अलाउ कर देना है। अब यहाँ पर मतलब कि जितना भी यहाँ पर रहेगा सब आपको अलाउड में कर देना है। यहाँ पर देखते हैं इस तरीके से नॉट अलाउड लिखा हुआ है, जो भी इसमें रहेगा आपको सब कुछ अलाउ करके इस तरीके से इसमें ला देना है। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ से पूरा बैक कर देना है। अब दोस्तों आपको फोनपे को ओपन करना है। फोनपे को जैसे ओपन करेंगे इस तरह का इंटरफेस आएगा ऐड बैंक अकाउंट का। दोस्तों अगर आपको ये ऑप्शन यहाँ पर नहीं मिल रहा तो आप सिंपल से कोने में प्रोफाइल पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर नीचे जाएंगे एक ऑप्शन मिलेगा इस तरीके से बैंक अकाउंट का, आपको इस पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर दोस्तों आपका जो भी बैंक था, जिस बैंक में प्रॉब्लम आ रही थी, आप जिस बैंक से पैसा ट्रांसफर कर रहे थे, अब दोस्तों आपको अपने उस बैंक पर क्लिक कर देना है। या फिर अगर आपका बैंक नहीं दिखेगा तो अगर आपको यहाँ पर सर्च का एक आइकन दिखेगा, आप सर्च भी कर सकते हैं अपना बैंक। अब यहाँ पर दोस्तों हमारा बैंक दिख रहा है, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक है, तो हम यहाँ पर अपने बैंक पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद दोस्तों हमारा जो बैंक यहाँ पर सक्सेसफुली इस तरीके से ऐड हो गया है। ऐड होने के बाद दोस्तों इस तरह का कुछ इंटरफेस वगैरह आएगा तो आपको यहाँ से पूरा बैक कर देना और आपका बैंक जो है ऐड हो जाएगा। अब यहाँ पर दोस्तों आप लोग देखते हैं मेरा जो बैंक है यहाँ पर इस तरीके से ऐड हो गया है। अब यहाँ पर गाइस मैं बैक जाऊँगा, फिर से बैंक अकाउंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करूँगा तो आप लोग देखेंगे कि मेरा बैंक यहाँ पर ऐड हो गया। अब दोस्तों आपको अपने बैंक पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर दोस्तों अगर आप में यहाँ पर रीसेट एंड चेंज आ रहा है तो अगर आपका यूपीआई पिन सेट होगा, अगर आप में सेट यूपीआई पिन आ रहा है तो अगर आपका यूपीआई पिन नहीं सेट होगा तो आप लोग सेट कर लीजिएगा। अगर आपको सेट करना नहीं आता है तो मैंने उसके टॉपिक पर एक फुल वीडियो बना दिया, आप जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। लेकिन दोस्तों आप में यूपीआई पिन पहले से अगर सेट रहा होगा तो आपको सेट करना नहीं पड़ेगा। अब यहाँ पर दोस्तों आप लोग आएंगे यहाँ पर गाइस मैं जैसे गाइस यहाँ पर इस तरीके से आ गया हूँ अपने मोबाइल के होम स्क्रीन पर। अब यहाँ पर दोस्तों जैसे मैं टू मोबाइल नंबर पर क्लिक करता हूँ, जिसके पास मुझे पैसा वगैरह ट्रांसफर करना है मैं उस पर क्लिक करता हूँ। और यहाँ पर जैसे यहाँ पर मुझे पैसा भेजना है जिसके पास, यहाँ पर इस तरीके से क्लिक करता हूँ, यहाँ पर इस तरीके से इंटरफेस आएगा।
अब यहाँ पर दोस्तों मैं क्या करूँगा, इस तरीके से 1 रुपये डाल रहा हूँ और पे वाले पे क्लिक करता हूँ मैं आप लोगों को दिखाने के लिए 1 रुपये डाला हूँ। अब यहाँ पर कि जैसे मैं अपने UPI पिन बनाया हूँ जो उसको डालूंगा, ओके करूँगा और यहाँ पर कि मेरा पेमेंट है इस तरीके से यहाँ पर सक्सेसफुली हो जाएगा। यहाँ पर कोई भी दिक्कत कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ रही है। तो इस तरीके से आप लोग जो भी अपना पेमेंट रहेगा वो फ़ोनपे से कर पाएंगे, कोई भी दिक्कत कोई भी इशू वगैरह नहीं आएगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे आप लोग फ़ोनपे से पैसा अपना ट्रांसफ़र कर पाएंगे, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। चलिए दोस्तों मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद जय भारत।